नमस्कार जी दोस्तों, साल की 2020 की दोस्तों मौनी अमावस्या आने वाली है और मौनी अमावस्या पर भूल कर भी आपको कुछ छोटे छोटे कार्य नहीं करने चाहिए। हमें पितर जो है उस दिन आप जो है पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या मनाई जाती है। तो दोस्तों, जो साल की पहली मौनी अमावस्या 24 जनवरी 2020 शुक्रवार को पड़ रही है, मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मनुष्य को मुनि पद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत को लेकर यह भी दोस्तों कहा जाता है कि होठों से प्रभु के नाम का जाप करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुणा ज्यादा पुण्य मन में हरि नाम का जप करने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या जब आप सुबह सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान का जप करना है। अगर आप संगम में है, यमुना नदी में है, या फिर गंगा नदी में है, गोदावरी में है, तो नहा धो लीजिए। या आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही गंगा जल 2 बूंद डाल के पानी में नहा सकते हैं। अमावस्या तिथि जो है वो प्रारंभ होगी सुबह 2:15 से 24 जनवरी 2020 को। अमावस्या तिथि समाप्त होगी अगले दिन सुबह 3:10 तक 25 जनवरी 2020। मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को दोस्तों शांति मिलती है। मौनी अमावस्या पर किया गया दान पुण्य का फल सतयुग के ताप के बराबर मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत की तरह हो जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। श्री हरि को पाने का सुगम मार्ग है माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान। इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर दोस्तों क्यों रखा जाता है मौन व्रत? मौनी अमावस्या पर मौन व्रत इसलिए रखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। माना जाता है कि मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और अक्सर साधना आराधना के दौरान भटक जाता है। ऐसे में किसी साधना को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को अक्सर वाणी द्वारा ही प्रकट करता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण पाने के लिए माघ मास की अमावस्या के दिन मौन रखकर स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मन और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए स्नान करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं दोस्तों पूरी होती हैं। दोस्तों, कुछ मैं उपाय भी बता देती हूँ आपको। ये खास दिन है और इस दिन
अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके जीवन भी बदल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। हो सके तो एक नारियल ले लें और उसको ऊपर से काट लें। उसमें आप चीनी भरकर किसी सुनसान जगह पर 6 इंच का गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। जब जब चींटियां इसे खाएंगी तो आपके जो ग्रह दोष हैं दोस्तों, वो खराब दोष हैं, वो दूर होते हैं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी इच्छाएं की पूर्ति में दोस्तों सहायक होंगे। इस दिन आपको मछलियों को भी दाना खिलाना है और इस दिन आपको काले कुत्ते को भी रोटी खिलानी है और गाय को भी आपको 1 रोटी खिलानी है, जिससे प्रसन्न होकर वो आपको आशीर्वाद देगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की उपासना आपको करनी है। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। शाम के समय घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर जो आपका उत्तर पूर्व का कोना है, उसमें गाय के घी का ज्योत जलाना है। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग अति उत्तम है। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी जी शिव परिवार को चावल की खीर अर्पित करें, धन संपत्ति से भंडार आपके भर जाएंगे। इस दिन दूध में अपनी छाया देखकर काले कुत्ते को पिलाएं। इस उपाय से सभी तरह की मानसिक कठिनाइयां दोस्तों दूर होंगी। मौनी अमावस्या पर काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका आप पूजा करें। सूखे कुएं में दूध बहाएं, सेहत आपकी ठीक रहेगी, रोग कोसों दूर रहेंगे। इस दिन आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आटे में तिल मिलाकर आपको गाय को भी खिलाना है, तो इससे आपके जितने भी संताप है वो दोस्तों दूर होते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको मंत्र का जाप करना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काचीर, अवंतिकापुरी, द्वारावती, शेव, सत्येता, मोक्षदायिका। दूसरा मंत्र भी बता देती हूँ आपको, गंगे चा यमुने चैव, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जल में इसमने निधि कुरु। दान क्या करें? मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गरम वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का दोस्तों विशेष महत्व है। वही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने में विशेष फल की प्राप्ति दोस्तों अवश्य ही होती। दोस्तों, इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटा दान करें। इस दिन पितृ सूक्त तथा पितृ स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभकारी है। विद्या की प्राप्ति हेतु रेवड़ी को मीठे जल में प्रवाह करें। चलता हुआ जल हो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चलते हुए जल में आपको प्रवाह करना है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम प्रत्यभ्याय नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ओम प्रत्यभ्याय नमः मंत्र का 108 बार अथवा जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप करना लाभकारी होता है। अमावस्या को दक्षिणा मुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। कर्ज बढ़ जाने,
ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ स्वयं करें या किसी युवा ब्राह्मण सन्यासी से दोस्तों अवश्य ही करवाएं। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मौनी अमावस्या है, साल की पहली अमावस्या है, तो इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, बुराई नहीं करनी है, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आपको जो है वो गलत कार्य नहीं करने हैं, यानी कि छोटे बच्चों को डपट रहे हैं, बड़े लोगों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे दोस्तों बहुत नुकसान हो सकता है आपका। तो इस बात का आपको दोस्तों ख्याल रखना है कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार का, जो मैंने ये बातें बताई हैं कि आपको किसी भी प्रकार का जो है ये नाखून नहीं काटना है, कैंची घर में नहीं करनी है, या सुई धागा नहीं करना है, सिलाई नहीं करनी है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।